हेलो दोस्तों, प्राइमैक्स चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको ये जो टाइमर होते हैं वॉशिंग मशीन के, जो टाइमर होते हैं, एक वॉश टाइमर होता है और एक होता है स्पिन टाइमर। स्पिन टाइमर जो हमारा काम करता है, सिर्फ ऑन ऑफ की तरह काम करता है, लेकिन ऑन ऑफ के साथ साथ ये एक टाइमर होता है जो टाइम पे, अपने टाइम पे ये बंद हो जाता है। दोस्तों, ये 15 मिनट का भी आता है, दोस्तों 25 मिनट का भी आता है, लेकिन ज़्यादातर ये स्पिन टाइमर होता है, ये सिर्फ 15 मिनट का ज़्यादा आते हैं। दोस्तों, हर वॉशिंग मशीन में आपको 15 मिनट का ही मिलेगा, क्योंकि इसको क्या होता है, वॉशिंग मशीन को राउंड लेके कपड़े सुखा के उसको बंद करना होता है, इसलिए हमें ज़्यादा टाइम की ज़रूरत नहीं होती है। तो इसलिए ये टाइमर हमारा 15 ही मिनट का होता है। लेकिन ये जो टाइमर है, वॉश टाइमर, ये कपड़े धोने के यूज़ में आता है। ये हमारा टाइमर अधिक टाइम के लिए होता है, तो 15 मिनट, 25 मिनट एंड 35 मिनट, 40-45 मिनट तक होते हैं दोस्तों ये टाइमर। तो ये टाइमर दोस्तों हमारे पास, ये वॉश टाइमर है। अब हम सबसे पहले स्पिन टाइमर के बारे में जान लेते हैं, इसको हम कैसे चेक करें कि ये सही है या ख़राब है। दोस्तों, तो सबसे पहले अगर हम आप इसको अगर प्लास से इस टाइप से घुमाएंगे, या आप इस टाइप से जो स्विच होता है ये, अगर इसको लगा के घुमाएंगे, किसी भी तरीके से आप घुमा सकते हैं, या वॉशिंग में लगे लगे भी घुमा सकते हैं। अगर सपोज कर लीजिए ये इस टाइप से घूमने के बाद इस टाइप से आवाज़ कर रहा, आप आवाज़ सुनिए, कुछ आवाज़ आ रही है, अगर ये आवाज़ इस टाइप से कर रहा है तो हमारा टाइमर सही है। लेकिन उसके साथ साथ आप देखेंगे कि ये जो दो तार निकल के आ रहे हैं, एक तो हमारा साउंड से पता चल रहा है कि टाइमर हमारा ओके काम कर रहा है, लेकिन आप इस पे ना जाइए, अगर आवाज़ भी कर रहा है तो हमें किस टाइप से इसको चेक करना, हमें बिल्कुल कंफर्म चेक करना। ये तो एक आइडिया हो गया कि हाँ ये सही है, चल रहा है, मतलब चलने की बात हो रही है, अब ये काम कर रहा है नहीं कर रहा सही, उसके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम सीरीज पे चेक करते हैं इसको। सीरीज पे किस टाइप से चेक करेंगे, आप ये दो तार देख रहे हैं, ये दो तार हमें इसमें लगा देने हैं, सीरीज में, डायरेक्ट में ना लगाएं दोस्तों, डायरेक्ट में अगर आप लगाएंगे तो फोल्ड हो जाएगा। आप इसको जब सीरीज में लगाएंगे तो ये हमारा बल्ब जलने लगेगा, ये देखो। अब ये जलते हुए बल्ब अगर हम इस टाइमर को बंद करते हैं तो हमारा बल्ब भी बंद हो जाएगा। हम जैसे इसको ऑन करेंगे तो खुल जाएगा, ऑफ़ करेंगे तो बंद हो जाएगा, ऑन करेंगे तो खुल जाएगा। अब ये हम अगर इसको पूरा घुमा देते हैं, इसको अगर हम पूरा घुमा देते हैं, ये तार निकल गया ज़रा, ये अगर इसको पूरा घुमा देते हैं तो ये 15 मिनट में घूम के हमारे पास, ये 15 मिनट में घूम के ठीक टाइम पे बंद हो जाएगा। तो ये हमारा टाइमर ओके है दोस्तों। अगर सपोज कर लीजिए ये स्विच का तार आपको लगा के, या आप इससे भी पीले टाइमर से भी, जो पीला ये मीटर है इससे भी आप चेक कर सकते हैं, ये यहाँ पे आप लगाएंगे डाइबोर्ड मोड पे, इसको डाइबोर्ड मोड पे लगाना है, ये आपको बंद मिलेगा, इसको हमें डाइबोर्ड मोड पे लगा देना है। डाइबोर्ड मोड पे लगाने के बाद एक बार हम इसको चेक करेंगे मीटर को, सही काम कर रहा है इसको। इसके बाद हम इसको ऑन करेंगे, जब इस टाइप की आवाज़ आने लगे, ट्र ट्र की इस टाइप से आने लगे, तो ये जो दो तार हैं हमारे पास, इसलिए मैंने इसको लच्छा बनाया हुआ है, जिससे कि लंबे तार हैं ना दोस्तों, तो इसलिए ये लच्छा बना हुआ है, दो तार निकले हुए हमारे पास, इनके जो सिरे हैं वो ये रहे दोस्तों। तो अगर हम इन पे एक एक सुई, इस पे लाल वाली या कोई सी भी किधर भी लगा सकते हैं, एक इस पे, तो आप देखेंगे ये कंटिन्यूटी आ रही है, कोई भी कंटिन्यूटी हो उससे कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी हो उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज़्यादातर हमारा पी पी करके बोलेगा दोस्तों ये, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, कंटिन्यूटी हमारी आ रही है दोस्तों। तो ये हमारा टाइमर प्रॉपरली ठीक है दोस्तों। अगर ये कनेक्टिविटी नहीं आ रही है इन तारों पर, तो हमारा टाइमर ये वाला ख़राब है। या फिर अगर मान लीजिए आप कोई कस्टमर का, या आपके घर का, या किसी भी चीज़ का, अगर आपका वॉशिंग मशीन का टाइमर, अगर आप उसको यूं करके घुमा रहे हैं, वो तो घुमाने के बाद खट से इधर आ रहा है, घुमा रहे हैं आप लेकिन फटाक दशा से इधर आ रहा है, आप घुमा रहे हैं फटाक से इधर आ रहा है, तो आपका टाइमर 100% ख़राब है, चाहे उस पर कनेक्टिविटी आ रही है या नहीं आ रही, उसको छोड़ दीजिए आप। अगर आपका टाइमर यूँ घुमाने के बाद वापस एकदम फटाक देर से आ रहा है, तो आपका टाइमर ख़राब है दोस्तों, उसको रिजेक्ट कर दीजिए, उसको चेंज कर दीजिए। तो ये तो हुई हमारी स्पिन टाइमर की बात, ये एक स्विच की टाइप से काम करता है, जो हमारा कंफर्म है कि ये टाइमर ठीक है, कनेक्टिविटी हमारी नहीं आ रही है, इन दो तारों पे नहीं आ रही है, तो हमारा टाइमर ख़राब है, लेकिन ये हमारी स्थिति बिल्कुल ठीक है दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं वॉश टाइमर की। ये एक वॉश टाइमर है, आप देखेंगे 1 2 3 4, इसमें चार तार हैं, जिसमें कि एक बर्जर का है, एक मैन जाएगी इसमें को, उसके बाद यहाँ से जो पीला आप तार देख रहे हैं इधर को जो जा रहा है, ये यहाँ से मैंस है, ये मैन हमारा इधर को जा रहा है, तो जो ये दो तार हमारे मोटर के लिए हैं, जो राउंड बाय राउंड, कभी इधर को कभी इधर को कभी इधर को जो घुमाता है, वो हमारा टाइमर काम करता है।
वो ये रहे दो तार। अब आप उसको पहचानेंगे कैसे दोस्तों? आपके पास सपोज कर लीजिए एक टाइमर है, आप मार्केट से लेकर आए लेकिन आपको कलर भी नहीं पता, किसी और ने बदल दिया लेकिन अब आपको बदलना है, तो आप उसकी पहचान कैसे करेंगे दोस्तों? ये एक इम्पोर्टेंट मतलब सवाल है और कुछ लोगों ने मेरे से पूछा भी है ये चीज़ कमेंट में, तो उसका मैं आंसर भी दे रहा हूँ इसमें, और ये आपके लिए एक जानकारी भी है दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों हमें करना क्या है, जब आप मार्केट से टाइमर लेके आएंगे तो आपको ये तो मैंने छोटे छोटे काट रखे हैं तार, इसलिए कि जिससे कि दिक्कत ना पड़े, जैसे स्क्रीन टाइमर में गुच्छा बना रखा था मैंने, इसलिए कोई दिक्कत ना पड़े समझने में आपको, इसलिए मैंने ये काट रखे हैं यहाँ से, ये छोटे कर रखे हैं। तो जब आप मार्केट से टाइमर लेकर आएंगे तो तार काफ़ी लंबे होंगे दोस्तों, आप देख रहे हैं स्क्रीन के कितने लंबे तार हैं, जो कि ये टाइमर से और जहाँ पे मोटर होती है नीचे वहाँ तक जाने होते हैं दोस्तों ये तार। तो इसलिए टाइमर के जब आप लेकर आएंगे तार तो बिल्कुल लंबे तार होंगे दोस्तों। अब सपोज कर लीजिए एक तार में आपके जो तीन तार होंगे आपके बिल्कुल नीचे लंबे होंगे, करीब करीब 3 या 2 मीटर या 3 मीटर के करीब तार होंगे लंबे दोस्तों। तो जो लंबे तार होंगे दोस्तों तो उसमें हमारी एक मेंस होगी जिसमें एक करंट जाएगा ही जाएगा, और दो हमारी मोटर के लिए होंगे जो मैंने कनेक्शन बता चुका हूँ। अगर कनेक्शन आपने वॉशिंग मशीन के नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन लिंक है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो जो सबसे लंबे तार होंगे वो मोटर के लिए और एक मेंस के लिए होंगे। अब आप उसको पहचानेंगे कैसे? तो ये एक टाइमर है, आप देखेंगे जो सबसे छोटा तार होगा आपके पास, सपोज कर लीजिए ये हमारे पास सबसे छोटा तार है, और जाहिर सी बात है सब टाइमरों में ये इस टाइप की पिन लगी हुई होगी दोस्तों, ये वर्जर के लिए होती है दोस्तों। ये वर्जर का मतलब, जो अगर टाइमर जब हम इसको ऑन करेंगे, जब ये ख़त्म होने पर आएगा टाइमर तो पी पी टाइप की आवाज आएगी, वो वर्जर के लिए होती है, ये वर्जर का तार है दोस्तों। सपोज कर लीजिए ये इधर तार है हमारे पास, ये इधर है किधर भी हो सकता है, तो आप जो सबसे छोटा तार होगा ये वो वर्जर का है, उसी से आप हिसाब लगा लीजिए कि उसके बाद वाला जो तार होगा हमारा वो हमारा मेंस होगा दोस्तों, वो हमारा मेन होगा दोस्तों। अब ये तो आया हमारा वर्जर के लिए, वर्जर किस टाइप से काम करता है, जैसे ही हमारा ऑफ होने को आगा तो ये हमारा जो एक पिन है यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली इस तार पे कनेक्ट हो जाएगी, तो इधर का जो मेंस का तार है वो इस पर आने लगेगा, तो वर्जर बोल जाता है दोस्तों। अब ये हमारी मेन हो गई, तो मेन हमारी ये वाली हुई। अब मैं आपको सवाल का आंसर भी दे रहा हूँ कि हम टाइमर को कैसे चेक करें। तो ये हमारी मेन हो गई, ये यहाँ से हमारा तार यहाँ जा रहा, जो सबसे लंबे तार होंगे तीन तार, एक मैन होगी उसमें और दो हमारी वाइंडिंग के होंगे। तो जो देखो आप ये दो वाइंडिंग के हैं ये हमारे वर्जर के हैं, तो जो वर्जर के हैं वो छोटा होगा, वो जो काला वाला होगा हमारा वो हमारा मैंस होगा दोस्तों, वर्जर के पास वाला जो होगा वो मैंस होगा। और जो आप सिंगल सिंगल ये देख रहे हैं दो तार, ये सीधे कंपलसरी है कि मोटर के ही हैं, 100% ये मोटर के हैं, इस टाइप से आप पहचान करेंगे। तो अब आप इसको लगा दीजिए यहाँ पर, मीटर या सीरीज जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो आप लगाइए यहाँ पे। तो एक तार हमने कहाँ लगाया, मेंस पे, और दूसरा हमने लगाया यहाँ पे जो मोटर वाले हैं। तो आप देख रहे होंगे कनेक्टिविटी नहीं आ रही है दोस्तों, वो क्यों नहीं आ रही, क्योंकि हमने अभी टाइमर को ऑन नहीं किया, वो ये ऑफ है। अब आप इसको ऑन करिए, मैंने ये ऑन कर दिया और आप देख रहे हैं आवाज़ भी आ रही है टर टर की। तो इस टाइप से ये टाइमर हमारा अभी तक काम कर रहा है, लेकिन हम इसको चेक कर लेते हैं कि ये वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। वहाँ से तो सही बार कर रहा है, लेकिन यहाँ तारों में करंट जिस टाइप से होना चाहिए काम उस टाइप से कर रहा है या नहीं कर रहा। तो हम लगाएंगे इसको काले पे, उसके बाद आप देखेंगे मैं लाल पे लगा रहा हूँ, तो लाल पे ये कनेक्टिविटी आ रही है। अब थोड़ी देर के बाद ये कट होने के बाद, यहाँ से करंट ख़त्म होने के बाद पीले पर चला जाएगा, आप देख रहे हैं यहाँ से ख़त्म हो गया, अब मैं पीले पर लगाता हूँ तो पीले पर आ गया दोस्तों। अब यहाँ से ख़त्म हो गया लाल पर चला जाएगा, ख़त्म हो गया यहाँ से, अब ये पीले लाल पर चला गया। अब लाल पे कुछ देर चलने के बाद ये हमारा पीले पे आ जाएगा, ये आगे देखो ये पीले पे आ गया। तो आप जो देखते हैं कि मोटर कभी इधर चलती है कभी इधर चलती है, वो इसी का काम होता है, कभी इधर जाता है करंट कभी इधर जाता है। ये देखो, ये देखिए दोस्तों, ये इधर आ गया, अब कुछ देर के बाद ये इधर आ जाएगा, फट से बोलेगा, ये देखिए दोस्तों, ये इसी टाइप से काम करता। अब जब ये टाइमर ख़त्म होने पर आएगा, जब ये ख़त्म होगा तो ये वाला तार जो है, ये वाला पॉइंट हमारा बर्जर पे लग जाएगा। तो बर्जर पे एक न्यूट्रल ऑलरेडी गया हुआ होता है और फेस हमारा जो लाइन होती है वो इस पे जाएगी, तो जैसे ही उस पे जाएगी वो पी पी बोलने लगेगा। तो इस टाइप से हम अपना टाइमर, वॉश टाइमर हम चेक कर सकते हैं। और अगर हम सीरीज से चेक करेंगे, अगर आपके पास मीटर नहीं है सीरीज है, तो आप एक तार लगाएंगे मेंस वाला, जो काला वाला मेन है हमारा, वो लगाएंगे आप यहाँ पर, और एक तार लगाएंगे आप यहाँ पर। तो अगर जब जिस टाइम लाल पे करंट आएगा तो सीरीज हमारी जल जाएगी,
ये देखिए दोस्तों जल गई, अब ये बंद हो जाएगी क्योंकि हमारा उसके बाद पीले पे करंट आ जाएगा। ये बंद हो गई, अब थोड़ी देर के बाद इस पे करंट आ जाएगा। ये देखिए दोस्तों इस टाइप से आप मेन लगा के एक तार और एक तार जो वाइंडिंग वाले हैं उसको इस टाइप से चेक करेंगे दोस्तों। अब सपोज कर लीजिए कि आपका टाइमर बंद है और जब आप इसको यूं करके खोलते हैं तो टाइमर हमारा सीधा धड़ाक जैसे ही वापसी आ जाता है, यूं खोलते हैं और धड़ाक से आपका वापसी आ जाता है, तो आपका टाइमर 100% खराब है, आपको चेक करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है दोस्तों। अब एक कंडीशन और होती है इसकी ख़राब, अगर सपोज कर लीजिए आपने टाइमर को ऑन कर दिया, ऑन करने के बाद यहाँ से आवाज़ बिल्कुल प्रॉपरली ठीक आ रही है, ठीक आने के बाद उसके बाद हमारा वॉशिंग मशीन सिर्फ एक ही तरफ को घूम रही है। एक तरफ का मतलब है कि हमारा जब हमने एक तार को हमने काले पे लगाया और दूसरे को हमने पीले पे या लाल पे किसी भी लगाया, तो आप देख रहे हैं कंटिन्यूटी आ रही है, उसके बाद इस पे आ रही है, तो इस स्थिति में तो टाइमर काम कर रहा है। लेकिन अगर वॉशिंग मशीन आपकी सही वो सॉरी आपकी वॉशिंग मशीन एक ही तरफ को चल रही है, राउंड राउंड एक ही तरफ को एक ही तरफ को एक ही तरफ को बार बार रुकती है, एक तरफ को चलती है एक ही तरफ को दूसरी तरफ को नहीं चलती, तो उस कंडीशन में दोस्तों टाइमर ख़राब है, वो सिर्फ एक ही पॉइंट काम कर दिया होता है, दूसरे पर करंट नहीं जा रहा होता, इसलिए वो एक ही तरफ को घूमती है दोस्तों। अगर हमारा दोनों तरफ को करंट जाएगा तो वो उसी टाइप से घूमेगी दोनों तरफ को, लेकिन अगर वॉशिंग मशीन एक तरफ घूम रही तो हमारा टाइमर ख़राब है। तो ऑब्वियसली दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको स्पिन और बोस टाइमर का सही और गलत की पहचान हो गई होगी। अगर इसके बारे में कोई भी आपकी क्वारी है तो दोस्तों बिल्कुल बेझिझक होगा आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं, और भी मैं वीडियो बनाऊंगा टाइमर के ऊपर। ये तो एक छोटा चार तारों वाला है, उसके बाद एक हाई स्पीड लो स्पीड एक होता है वो टाइमर होता है, और भी कई सारे टाइमर होते हैं जिनके मैं एक एक करके जैसे जैसे मेरे सामने आते रहेंगे टाइमर उसके बारे में वीडियो बनाता रहूँगा दोस्तों। तो दोस्तों उसके लिए आपको मेरे चैनल में बने रहना होगा और मेरी हर एक वीडियो देखनी होगी, जिससे कि आपको खुद अपनी वॉशिंग मशीन आप अपने घर पे ही सही कर सकते हो। तो दोस्तों अगर आपने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तुरंत कर लीजिए, और आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, ओके बाय।